यार ऑल डेवलपर्स कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया रहेंगे व स्वस्थ रहेंगे। मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ आपके सामने और आज के जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों का न्यू तरीके से एंड्रॉयड 11 से लेकर 13 तक एंड 0 से लेकर 13 तक वर्क दिखाएंगे। एंड्रॉयड डाटा फोल्डर एक्सेस, OBB एक्सेस एंड SD कार्ड एक्सेस, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो सबसे फास्ट में आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इसके अलग से कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है या फिर पर्पस नहीं है। सबसे फर्स्ट पहले आपको क्या करना है, हमारा जो है एंड्रॉयड स्केचवेयर मास्टर वर्जन 4.10.14 जो आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स का ब्लॉक एंड ब्लॉक दिया गया है जो कि आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर ऑल ब्लॉक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो है कंपोनेंट मिल जाएगा जो कि ओके बटन पर क्लिक करने के बाद हर एक कंपोनेंट को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मोर ब्लॉक है, आप लोगों को मोर ब्लॉक के जाने के बाद आप मोर ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे मोर ब्लॉक दिया गया है। लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पहले से ही बहुत सारे लाइब्रेरी को हमने अपडेट करके रखा है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी इम्पोर्ट हो जाएगा, जावा कोड आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ पर आप जो है सर्च वाले ऑप्शन पर सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च हमने दे के रखा है एंड आपको टाइप भी कर सकते हैं। तो हम यहां पर जो है सर्च करेंगे एंड्रॉयड 13। आप इस टाइप से जो है सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप जो है यहाँ पर एंड्रॉयड 13 को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। बाहर से भी लॉन्ग क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। एंड आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आप चाहते हैं कि हम एक ब्लॉक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी हम इस एक ब्लॉक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड करेंगे, नीचे जो डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमारा काम हो गया है यहाँ से जो है ख़त्म, हम इसको साइड पर रखेंगे। स्केचवेयर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है जो कि हमारा वर्जन है स्केचवेयर 4.6.4.0 बेटा वर्जन 5, जो कि बहुत सारे आप लोगों के पास लैग हो रहा है और लैग का भी कारण हमको पता है, हम आपको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर जो है आपको क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है एक न्यू प्रोजेक्ट हम ऐड करेंगे। क्रिएट ऐप्स वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऐप कॉम्पैक्ट एंड डिज़ाइन को पहले ही हमको डिजेबल जो है इनेबल करके रखना है, मतलब कि इसको ऑन कर देना है। सही बात में बोलूँ तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपोनेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, ऐड कंपोनेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे पास कोई भी कंपोनेंट अदर्स नहीं है। यहाँ पर जो है हम जो है फाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, शेयर परफॉर्मेंस क्लिक करना है, ASP लिखना है, ASP के बगैर कुछ नहीं लिखना है। नीचे वाले ऑप्शन पे भी ASP लिखना है, ऐड वाले ऑप्शन पे ऐड कर देना है। अब आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद परमिशन वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर सर्च करना है स्टोरेज। स्टोरेज सर्च करने के बाद आप लोगों को बहुत सारे स्टोरेज का परमिशन आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि परमिशन देना बेहद ही ज़रूरी बात है, आपको परमिशन देना ही है। आपको क्या करना है, वन क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है। आपको वन क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर क्या करना है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, एंड्रॉयड 13 वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पर वन क्रिएट आपको SAF ब्लॉक मिल जाएगा, इसको ऐड करना है। ऊपर में आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इम्पोर्ट, जो भी इम्पोर्ट दिखाई दे रहा है इम्पोर्ट से लेकर सेटिंग तक कॉपी कर लेना है। इस टाइप से आपको इस टाइप से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों को जो है कुछ भी नहीं करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद आप लोगों को रेड कलर का ऐड बटन दिखाई दे रहा है, ऐड करना है इम्पोर्ट को। इम्पोर्ट को ऐड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये वाला ब्लॉक को नहीं इस्तेमाल करना है, आपको ऑपरेटर में जाना है, ऐड सोर्स डायरेक्ट को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप लोगों को जो है इम्पोर्ट वाला ऑप्शन पे इम्पोर्ट कर देना है। अब जो है हम सेव कर देंगे तो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का हमारा इम्पोर्ट आ गया है। इम्पोर्ट इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं तो वर्क नहीं करेगा। आपको मोर ब्लॉक के अंदर जाना है, ऐड मोर ब्लॉक करना है, जो कि यहाँ पर कुछ भी नेम से मोर ब्लॉक को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आप लोगों को जो है इसके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद फिर से लास्ट में वही स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है पुट मोर ब्लॉक रिक्वेस्ट परमिशन। आपको यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट परमिशन डालना है वो आपको जो है पार्थ फाइल को डालना है। क्या करना है, हम MT मैनेजर से जो है पार्थ फाइल को उठाते हैं, एंड्रॉयड पर जाएंगे, डाटा वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आप चाहे तो OBB वाले ऑप्शन पर भी दे सकते हैं। हम कुछ भी यहाँ पर फाइल को जो है यहाँ पर ऐड करेंगे, हम एक फाइल को ऐड कर लेते हैं जो कि ए वाला फाइल है या फिर ए वाला फाइल है, आप कुछ भी एक फाइल को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम ए वाला फाइल को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से जो है रिक्वेस्ट
कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप लोग को इसके जो वाला ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस टाइप से फर्स्ट में आप देख सकते हैं स्टोरेज एमुलेटर 0 एंड्रॉयड डाटा कॉम डॉट जो भी है वो आपको इस्तेमाल करना है। अगर चाहते हैं कि हम जो है एसडी कार्ड से करें तो यहाँ पर एसडी कार्ड का पार्ट आपको डालना है, सेव कर देना है आपको। सेव करने के बाद आपको संपूर्ण जो है पर जो है हमारा ब्लॉक लगाना ख़त्म हो गया है। अब आपको ब्लॉक को सेट कर देना है, जो भी आप कॉपी करना चाहते हैं वो आपको ऐड करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करें, एसिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें एंड यहाँ पर कोई भी एसेट को आप डालना चाहते हैं, जो भी एसेट को डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर रीनेम करें, हम कुछ भी लिखें। रीनेम करने के बाद बटन वाले ऑप्शन पे जाइए। आप ये जो है किसी भी टाइप से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं बस एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आप लोग कुछ सीख सकते हैं, हम आपको कुछ सिखा सके। इसके अलावा हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, पर्पस नहीं है। तो यहाँ पर हम नीचे आपको दिखाई दे रहा है एसेट टू एसेट, मतलब एसेट से फाइल कॉपी करना, फिर अनजिप करना और अनजिप से अनजिप मतलब कि जिप से अनजिप करना, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये फाइल हमने आपके लिए लगाया है। आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है सेट URI फोल्डर, इसको आपको जो है इस्तेमाल करना है। आपको वेरिएबल पे जाना है, ऐड कस्टम वेरिएबल पे क्लिक करना है, टाइप ईजी फाइल पे जाना है, URI टाइप करना है, मैं जैसे कर रहा हूँ। आपको नीचे में कुछ भी लिखना है तो हम लिखेंगे MO, कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है URI में अगर आपका 6.4.0 है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो है आपको URI में इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो है आपको क्या करना है, फिर से इसको उठाकर जो भी आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एसेट कॉपी हो तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको नीचे जो है नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। नीचे आपको इस टाइप से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है हो गया है कंप्लीट। आपको एसेट का फाइल नेम डालना है, डालेंगे रियल जो है फाइल नेम आपको डालना है। रियल फाइल नेम को हम किस टाइप से डालते हैं, कुछ भी आपका जो भी रियल नेम है उसका ए का, तो आप डाल सकते हैं। इस टेप से सेव करेंगे। यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा और भी फाइल्स है मतलब कि फोल्डर के अंदर, तो आपको पता ही है आपको इस टेप से जो है लिखना है जो भी है उसके बाद फाइल एंड जो भी है आप यहाँ पर आप जो है डाल सकते हैं, फिर आपका वर्क करेगा। आप चाहते हैं कि हमारा उसी फाइल में वर्क करे तो आपको कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है। और आप चाहते हैं कि हमारा जो है टोस्ट शो हो तो यहाँ पर ऊपर में ओके, नीचे वाले ऑप्शन में फेल्ड, तो हो गया हमारा। यहाँ पर सेव करेंगे, प्रोजेक्ट को रन करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जिस भी बंदे का एरर आ रहा है, जिस भी का एरर आ रहा है, हम एरर को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोगों का परमिशन में एरर आते हैं, हमारा ब्लॉक वर्क नहीं करता है। और टेलीग्राम में बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहा है कि हमारा जो ब्लॉक है, आपका जो ब्लॉक है वर्क नहीं कर रहा है। ये ब्लॉक सभी के लिए बनाया गया है, वर्क सभी के लिए करेगा। तो यहाँ पर जो है DX रनिंग हो गया है, हमारा ब्लॉक में कोई भी शायद ही एरर नहीं है। हम यहाँ पर जो है बोल्डिंग करेंगे एंड साइनिंग हो गया है, इसको अपडेट कर लेते हैं। ओपन करेंगे एंड यहाँ पर जो है परमिशन हमारा आ जाएगा। तो आपको हम दिखाते हैं क्या करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो परमिशन है आ गया है। अब यहाँ पर आप मेन बात देख लो लग गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं परमिशन आपका वर्क करेगा। जब यहाँ पर ब्लू कलर का जो यूज़ दिस फोल्डर है, इस पर आपका कोई भी एरर नहीं है। अगर रेड हो गया है, यहाँ पर और भी सिंबल दिखाई दे रहा है, तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अपडेट देने के बाद जो है मोबाइल फ़ोन का कुछ जो है परमिशन वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो डिसेबल हो जाता है। तो सबसे फास्ट में आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर हम परमिशन को दिखा देते हैं, परमिशन वर्क करता है नहीं। आपको एक बार परमिशन देना है, दो बार में हो जाएगा और यहाँ पर ऐड करने के बाद सक्सेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा सक्सेस हो गया है। और हम क्या करेंगे, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, ऐप्स वाले ऑप्शन पे जाना है। तो हम यहाँ पर ऐप्स वाले ऑप्शन पे जाते हैं। जिसका भी वर्क नहीं करता है आपको ये वाला जो है ट्रिक्स जो है अप्लाई करना है। ऐप्स मैनेजर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर सर्च करना है फाइल्स। इस टाइप से आपको सर्च कर देना है तो आएगा, और हम यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर फाइल्स आपको दिखाई दे रहा है, फाइल मैनेजर नहीं, फाइल्स। इस फाइल्स में जो है आपको
डिसेबल करके रखना है। अगर आपका एंड्रॉयड 13, 14, 18 और 100 भी हो जाएगा ना, तो डिसेबल करने के बाद वो 11 तक ही वर्क करता है, मतलब 11 के जैसा ही वर्क करेगा और आपका परमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको शायद ही हमारा वीडियो अच्छा लगा है और सीखने के लिए मिला है। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे।